हलचल टीवी न्यूज। शिक्षा विभाग शिक्षक स्तर को ऊंचा उठाने के लाख बड़े बड़े दावे करता हो, लेकिन विभाग के दावों की पोल यही खुल जाती है कि विभाग एनसीईआरटी की किताबों को मुहैया करवा पाने में नाकाम रहता है, जिसके चलते प्राइवेट स्कूल संघ में विभाग के प्रति रोष है। प्राइवेट स्कूल संघ के सदस्यों ने प्रधान धर्मपाल सैनी के नेतृत्व में एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर शिक्षा विभाग के नाम से एक ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि बलवान सिंह गिल को सौंपा। इस दौरान स्कूल संचालकों में काफी रोष बना हुआ था। एक ओर प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रयासरत है, दूसरी तरफ विभाग एनसीईआरटी की किताबें मुहैया करवाने में भी लाचार साबित हो रही है। स्कूल संचालक बलदेव सैनी ने कहा कि शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें लगाए जाना एक अच्छी पहल है। उन्होंने मांग की है कि ये पुस्तकें जल्द उपलब्ध करवाई जाएं। ये जो आप आज मेमोरेंडम दे रहे हैं, किस मामले को लेकर दे रहे हैं? आज हमने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एनसीईआरटी की जो बुक्स के लिए शिक्षा विभाग का आदेश है कि सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक्स लगनी चाहिए, हम शिक्षा विभाग के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और हम आज माननीय खंड शिक्षा अधिकारी से इसी संदर्भ में मिले हैं कि ये किताबें हमें जल्दी से उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि मार्केट के अंदर एनसीईआरटी किताबें वर्षों से लापता है और प्राइमरी तक तो कोई किताबें प्रकाशित ही नहीं होती, तो उसी संदर्भ में हम मिले हैं। प्रण दिया गया है, उस मामले में क्या कार्रवाई होगी? इस मामले में एनसीईआरटी की किताबें और जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी। सरकार और विभाग यह चाहती है कि वे सभी विद्यार्थियों को एक समान शिक्षा दी जाए और उनके अंदर समानता लाई जाए। तो क्या जो बताया जा रहा है कि इंग्लिश की बुक्स आती ही नहीं, तो क्या आप इंग्लिश बुक्स का को प्रावधान करवा पाएंगे आप? इसके बारे में विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा, जल्द ही इसका समाधान निकाल दिया जाएगा। शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है मगर अभी तक किताबों का नजारा है, कितनी जल्दी उपलब्ध हो पाएगी किताबें? बहुत जल्दी उपलब्ध होगी। टोहाना से हलचल टीवी के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।